अबाउट सीड्स एंड स्पोर्स। बेटा हमने उन प्लांट्स के बारे में डिस्कशन की थी जो सीड से ग्रो करते हैं और उन प्लांट्स के बारे में भी जो कि स्पोर्स से ग्रो करते हैं। उसके अलावा बेटा हमने जर्मिनेशन ऑफ सीड के टॉपिक में डिफरेंट एमसीक्यूज भी रीड किए थे। लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर यूनिट नंबर 3 द प्लांट वर्ल्ड। और टुडेस टॉपिक इज रिव्यू। बेटा रिव्यू के टॉपिक में पेज नंबर 45 में पूरे चैप्टर से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें हर टॉपिक को जो भी इस चैप्टर में शामिल है उसको डिस्कशन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ड्रॉ एंड लेबल अ प्लांट सेल। बेटा आपने प्लांट सेल की डायग्राम ड्रॉ भी करनी है, उसको लेबल भी करनी है। देखिए आपके सामने प्लांट सेल है बेटा, इसकी आउटर कवरिंग थिक होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेल वॉल। इसके इनर साइड पे देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है, जो अंदर वाली लाइनिंग है आपके सामने, इसको क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन। ये देखिए इसमें बड़ा सा ये स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज वैक्यूल। हर प्लांट सेल में एक बड़ा सा बड़े साइज का वैक्यूल होता है, ठीक है जी। उसके अलावा देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और न्यूक्लियस का बेसिक फंक्शन क्या है कि ये प्लांट सेल के तमाम फंक्शन को कंट्रोल करता है। उसके अलावा बेटा देखिए ये जो डॉट डॉट आपको नजर आ रहे हैं, ये इसमें साइटोप्लाज्म है, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो पूरे प्लांट सेल में फैला हुआ है। उसके अलावा आपके सामने बेटा ये देखिए ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये एक्चुअली यहाँ पे मैंने कलर शो नहीं किया, ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस के अमल से फूड की प्रिपरेशन में हेल्प करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर सीड टू जर्मिनेट। सीड की जर्मिनेशन के लिए या सीड को उगने के लिए, ग्रो करने के लिए किन कंडीशंस की जरूरत होती है। आंसर देखिए, वाटर, ऑक्सीजन, लाइट एंड हीट, इन सब चीजों की हमें जरूरत होती है, सॉरी हमें नहीं, सीड्स को इन चीजों की जरूरत होती है ताकि वो ग्रो कर सके। इसको प्रॉपर अमाउंट में वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, लाइट सनलाइट जो है वो सही मिकदार में मिले, और हीट जो है वो प्रॉपरली मिले, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम 3 प्लांट्स दैट ग्रो फ्रॉम स्पोर्स एंड 3 प्लांट्स दैट ग्रो फ्रॉम सीड्स। आपने 3 प्लांट्स के नाम बताने बेटा जो स्पोर्स से ग्रो करते हैं, और 3 ऐसे प्लांट्स के नाम बताने हैं जो सीड्स से उग रहे हैं, ठीक है जी। आंसर देखिए, प्लांट्स ग्रोइंग फ्रॉम सीड्स, वो प्लांट्स जो सीड से या बीजों से उग रहे हैं वो कौन से बेटा। नंबर 1 देखिए सनफ्लावर, ठीक है जी, जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं सूरजमुखी का फूल। उसके अलावा देखिए स्वीट पी, जिसे आप मटर भी कहते हैं। और थर्ड है जी मैरीगोल्ड, गेंदे के कहलाता है। प्लांट्स ग्रोइंग फ्रॉम स्पोर्स, स्पोर्स से कौन कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं, इसमें बेटा फर्न्स, मॉसेस और लिवरवर्ट्स, ये 3 इसकी एग्जांपल्स हैं। ये 3 तरह के प्लांट फर्न्स, मॉसेस और लिवरवर्ट्स, जो आपको मैंने क्लासिफिकेशन के टॉपिक में भी पढ़ाए थे, ये स्पोर्स से ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ एंड लेबल डायग्राम ऑफ मोनोकॉट सीड। बेटा हमने लास्ट टॉपिक में भी मोनोकॉट सीड के और डायकॉट सीड के बारे में पढ़ा था, उसकी डायग्राम हम बनाएंगे। देखिए आपके सामने मोनोकॉट सीड है, इसे मोनोकॉट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिंगल कॉटिलेडन, एक ही कॉटिलेडन पाया जाता है, ठीक है जी। इसका ये पोर्शन बेटा एंडोस्पर्म कहलाता है। एंडोस्पर्म वो पोर्शन है जिसके अंदर सीड की फूड ज्यादातर स्टोर हुई हुई होती है, ठीक है जी। ये पोर्शन इसका कॉटिलेडन कहलाता है। यहाँ पे देखिए एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है, सीड की आउटर कवरिंग को हम सीड कोट भी बोलते हैं। ये मोनोकॉट सीड की एग्जाम्पल आपको बताई गई है, मेज यानी मकई का ये सीड है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हाट वेज आर सीड्स स्कैटर्ड। सीड्स किस तरह से बिखरते हैं, किस तरह ये दूर तक, दूर के एरियाज तक पहुंचते हैं ताकि वो इजीली ग्रो कर सके, ठीक है जी। आपको मैंने पहले भी जब इसकी रीडिंग की थी तो बताया था कि सीड एक्चुअली बहुत ज्यादा अमाउंट में बनते हैं, और अगर वो एक ही जगह पे गिर जाएंगे तो उनके लिए इतनी कंडीशंस मुहैया करना पॉसिबल नहीं होगी। उनको प्रॉपर ऑक्सीजन, वाटर और तमाम न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, इसलिए अल्लाह की तरफ से एक बाय नेचर एक प्रोसेस है सीड की स्कैटरिंग का, ताकि वो दूर दूर ग्रो कर सकें और इजीली हर सीड को मौका मिल सके ग्रो करने का, ठीक है जी। आंसर देखिए, सीड्स स्कैटर्ड बाय विंड। सीड कैसे स्कैटर्ड होते हैं, कैसे बिखरते हैं बेटा, हवा के जरिए।
by animals, जानवरों के जरिए, by birds, परिंदों के जरिए, and insects और कीड़े मकोड़ों के जरिए से. Some float in water, कुछ जो है seeds वो पानी में flow करते हैं, पानी में बहते हुए जाते हैं. जैसे कि मैंने आपको example दी थी coconut की, ठीक है जी. कोकोनट जो है वो पानी में फ्लोट करके दूर के एरियाज तक जाता है. एंड सम फॉल ऑन ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, और कुछ जो है वो अपने ट्री से डायरेक्टली ग्रेविटी की वजह से जमीन पे गिरते हैं और वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं, ठीक है जी. ऐसे सीड्स अमाउंट में बहुत कम बनते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर स्पोर्स टू जर्मिनेट. स्पोर्स को उगने के लिए किन कंडीशंस की जरूरत होती है. आंसर देखिए, ग्राउंड नीड टू बी डैम्ड विद राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. यानी ग्राउंड में जब जमीन को तैयार किया जाता है तो उसके उसको इतना ज़्यादा जरफेज होना चाहिए, इतना ज़्यादा उसको मतलब अच्छा होना चाहिए कि उसके अंदर तमाम जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तमाम सही मिकदार में मौजूद हो. इसके अलावा किन चीज़ों की जरूरत है वो देखते हैं. नंबर 1 है बेटा वाटर, नंबर 2 ऑक्सीजन, नंबर 3 लाइट और नंबर 4 हीट. यानी राइट अमाउंट वाली न्यूट्रिएंट्स के अलावा सही मिकदार में सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स शामिल होने के अलावा इन चार चीज़ों की ज़रूरत होती है किसी भी सीड को ग्रो करने, ठीक है जी. थैंक यू सो मच क्लास, आपने ये रिव्यू के तमाम क्वेश्चन अच्छी तरह रिवाइज करने. थैंक यू.